आखिरकार राजस्थान बीजेपी ने अपना राज्यसभा प्रत्याशी मैदान में उतार ही दिया है और ये प्रत्याशी और कोई नहीं बल्कि बाहरी नेता के तौर पर रवनीत सिंह बिट्टू है। लेकिन लोकसभा के नतीजों के बाद से राजस्थान भाजपा कुछ बिखरी सी नजर आ रही है, इसलिए राजस्थान से राज्यसभा भेजे जाने के लिए राजस्थान से ही कई नेताओं के नामों पर भी चर्चा हो रही थी, मगर बीजेपी ने बाहरी नेता का नाम राज्यसभा के लिए फाइनल किया है। इसके बाद सियासी हलकों में चर्चा है कि राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी और ज्यादा बढ़ सकती है। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए रवनीत सिंह बिट्टू केंद्र में मंत्री तो बने लेकिन सांसद नहीं बन पाए। लोकसभा चुनावों में उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा तो वहीं 6 महीने में किसी उच्च सदन या फिर निचले सदन की सदस्यता हासिल करनी थी। ऐसे में बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का ऐलान कर दिया। कहा जा रहा है कि ऐसी किस्मत बहुत कम नेताओं को नसीब होती है जिन्हें हारने के बाद भी इनाम मिलता है। ऐलान के बाद बिट्टू ने नामांकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक उनके साथ नजर आए। राजस्थान की तरफ से राज्यसभा में बिट्टू के जाने से राजस्थान की राजनीति में क्या हलचल देखने को मिलेगी, फिलहाल इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन बिट्टू कौन है, क्या है बिट्टू का राजनीतिक सियासी कद कैसा है, इसे भी समझना बेहद जरूरी है। कौन है नवनीत सिंह बिट्टू? केंद्र सरकार में मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू। मार्च 2024 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए। 2024 में लुधियाना से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा। 2014 में लुधियाना से कांग्रेस से लोकसभा पहुंचे। 2009 में आनंदपुर साहिब से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं रवनीत सिंह बिट्टू। वहीं आपको ये भी बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू की सियासी ताकत पंजाब में कद्दावर नेताओं में गिनी जाती है। राजनीति के सियासी अखाड़े में रवनीत सिंह बिट्टू की ताकत को देखते हुए बीजेपी के केंद्र नेतृत्व ने रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। इन तमाम तस्वीरों के बाद अब सियासी गलियारों में राजनीतिक पंडितों का ये कहना है कि अब राजस्थान भाजपा में धीरे धीरे गुटबाजी और बिखराव साफ साफ नजर आ रहा है। वहीं आगामी दिनों में राजस्थान भाजपा में और कौन सी दिलचस्प तस्वीरें सामने आती हैं या फिर बनती हैं, इसको देखना भी रोमांचक होगा। न्यूज 21 जयपुर से सुरेंद्र सोनी की स्पेशल रिपोर्ट।